भारत माता की, भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय मृदु एवं मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सी आर पाटिल, गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री जेठा भाई, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, साबर डेयरी के पदाधिकारी और इससे जुड़े तमाम किसान भाई बहन, पशुपालक भाई बहन, आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है, सैकड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट और एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन, उसमें एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। आज जिस नए प्लांट का भूमि पूजन हुआ है वो भी साबर डेयरी के सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। मैं साबर डेयरी और इस सहकारी आंदोलन से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को, डेयरी के चेयरमैन को, डेयरी के सभी डायरेक्टर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अने जारे साबर डेरी नी वात आवे अने भूरा भाई नी याद ना आवे तो वात अधूरी रही जाए। भूरा भाई पटेल ने दशकों पहले जो प्रयास शुरू किया था वो आज लाखों लोगों का जीवन बदलने में मदद कर रहा है। साबरकांठा में आई एटले कहीं नवू न लागे पर रोज कहीं नवू थतु देखाय। साबरकांठा में कदाच कोक ज एवो भाग हशे के ज्यां मारू जवानू न थयु होय। अने साबरकांठा में आई एटले याद आवे बधुं। बस स्टेशन पर उभा होइए, खेड़ 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 वड़ाली 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 ईड़र वड़ाली खेड़ बिलोड़ा हड़ो 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 अनाज यार साबरकांठा आऊ तो ये आवाज आजे पण कान में गूंजता होय छे। आई मारा अनेक साथी सहयोगो आई आवो एटले बधाने याद पण आवे, कमनसीबे केटलाक साथीओ आपणे छोड़ीने परमात्मा ने प्यारा थई गया। अमारा श्रीराम सांखला नु नाम याद आवे, अमारा जयेन्द्र सिंह भाई राठौर, अमारा एस एम खाट, अमारा धीमंत पटेल, अमारा भाई गजानन प्रजापति, अमारा विनोद फलजी भाई नो केट केटला जूना साथियों अने आजे पण अनेक लोगों ना चेहरा
मरी सामे तरबड़ी रहा है, मारा वालजी भाई हो, मारा प्रवीण सिंह देवड़ा हो, नानो भटको भणदोड़े बहु मारा अनेक साथियों, मारा मोड़ासा मा राजा भाई याद आवे, अनेक लोगों ने याद, अनेक सगर परिवारों एमनी जोड़े मारो घेरो नातो, बहु सन्मान्य नाम अमारा डायबी भट्ट, मारा मूलजी भाई परमार, अनेक वडीलो साथियों, अनेकों ने वच्चे काम कर्यो, अमारा रमणीक भाई होय के अमारा जमने त्यां अनेक वार ईडर आवो एटले जाइए, अने अनेक परिवारों साथे मळवानुं थाय, पण हवे तमे बधा एवी बधी जवाबदारीओ आपी कि जूना दिवसो याद करीने आनंद लेवानो होय छे। साथियों, दो दशक पहले यहां क्या स्थितियां थी ये आप भी जानते हैं, मैंने भी भली भांति देखा है। आजकल हम गुजरात के कई हिस्सों में अति वर्षा की चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन गुजराती को बारिश आना यही अपने आप में इतना बड़ा सुख और संतोष होता है जिसका अंदाज बाहर के लोगों को नहीं है। कग आपने त्या तो 10 वर्ष में 5 वर्ष दुकाल पड़तो हो, वरसाद माटे वलखा मारता हो, जारे भरपूर वरसाद थाय तो मन पर भराई जाए, अने दुष्काळनी आ स्थितिनुं परिणाम शुं, खेतीमां वरसाद थाय तो माड एकाद पाक लेवाय, पशुपालन ए पण थोड़ू घणू घासचारो मळवानी मुश्केली, अने पछी तो भाई छोकराओने अहींया नथी राखवा, छोकराओने शहेरमां मोकलो, अमे अहींया गामडामां जिंदगी पूरी करी देशुं। आ दिवसो आपणे जोयेला छे, और उस समय मैंने संकल्प किया था, आप लोगों के भरोसे संकल्प किया था, आप लोगों के साथ सहयोग पर अटूट विश्वास लेकर के संकल्प किया था कि स्थिति को बदलना है, और इसलिए जैसे जैसे सिंचाई की सुविधाएं इसका गुजरात में विस्तार हुआ, वैसे वैसे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हमने बहुत विकास की अभिवृद्धि की, और डेयरी ने उसे बहुत बड़ी ताकत दी, अर्थव्यवस्था को डेयरी ने स्थिरता भी दी, डेयरी ने सुरक्षा भी दी, और डेयरी ने गति के नए अवसर भी दिए। हमने बता, और दांतों की डेंटल ट्रीटमेंट तक की चिंता की थी, और आपको तो पता है पशु आरोग्य मेले में कुछ गाय जब उनके पेट को काटते थे तो 15-15, 20-20 किलो प्लास्टिक का वेस्ट निकलता था, और देखने वालों के आंख में पानी आ जाता था, अने एटले ज आपणे प्लास्टिक नो वपराश बंद करवानुं अभियान चलाव्युं छे। भाई, आ प्लास्टिक आपणा पशुओं माटे दुश्मन पुरवार थाय छे। बीजी बाजु पशुओंनी चिंता, पशुओं को चारा मिल सके, दाण सारू मळे, पशु ने आहार सारो मळे, अने आज मैंने बहनों एक आनंद की बात करी, शायद इसका प्रचार बहुत कम हुआ है,
उन्होंने कहा कि हम पशु अगर बीमार होते हैं तो आजकल आयुर्वेदिक दवाई से हम पशुओं को ठीक करते हैं, यानी पशुओं के लिए जो हमारी परंपरागत दादी मां की परंपराएं घरों में रहती थी वे पुनर्जीवित हुई है। आयुर्वेदिक दवाओं से पशु की देखभाल, मैं गुजरात के डेयरी क्षेत्र के लोगों का, साबर डेयरी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने पशुपालकों को आयुर्वेद दवा के द्वारा पशुओं की चिकित्सा का रास्ता और उसमें मदद की। अपने खबर है, हूं 2001 में आयो त्या लोग एम कहता था कि साहेब सांजे वाळू करवा माटे तो वीजड़ी आपो, सांजे वीजड़ी नहोती मळती गुजरात में। आपणे ज्योतिग्राम योजना नु अभियान चलायु, आज 20-22 वर्षना जे दीकरा दीकरीओ हशे ने एने तो खबर नहीं होय अंधारू कोने कहेवाय। अने गुजरात में ज्योतिग्राम योजना लाव्या, अने ज्योतिग्राम योजनाए खाली गुजरात ना घरों में अजवाळू कर्यु, टीवी चालू करे एटलू नहीं, अमारा गामडा मा डेरी ने मिल्क चिलिंग यूनिट उभा करवामा आ वीजड़ीए मोटा में मोटी मदद करी। एना कारणे दूधनु कलेक्शन वध्यु अने दूध बगड़तू बच्यु। गाड़ी आवे लेवा माटे त्यां सुधी चिलिंग प्लांट में दूध सचवाई रहे अने एना कारणे वेस्टेज पण बचवा माड्यो। आ वीजड़ी नी ताकत हती एना कारणे आ शक्य बन्यु। गुजरात में बीते 2 दशक में जो व्यवस्थाएं तैयार हुई आज उसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। आज गुजरात का डेयरी मार्केट 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साथियों मुझे याद है मैं 2007 में भी यहां आया, 2011 में भी आया, उस समय मैंने प्रोसेसिंग प्लांट करने का एक कार्यक्रम किया था और उस दिन मैंने हमारे डेयरी के साथियों के साथ बात कही थी। मैंने कहा देखिए जी आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए, और मुझे आज खुशी है कि दूध समितियों में महिलाओं को पहले ना के बराबर स्थान था, आज कम से कम 3 महिलाएं आज मंडी के उस संदर्भ डायरेक्टर के रूप में रहती हैं, वो मंडली को चलाती हैं और कुछ जगह पर तो पुरुषों से ज्यादा बहनें काम संभालती हैं। गुजरात में हमने ये भी नियम बनाया था और मैंने आज जब बहनें मिली तो पूछा, उस समय मैंने नियम बनाया था कि दूध भरने के लिए कोई भी आए लेकिन दूध का पैसा किसी भी पुरुष को नहीं देना है, दूध का पैसा महिलाओं को ही मिलना चाहिए। और अगर महिलाओं के पास पैसे जाएंगे पाई पाई का सही उपयोग होगा, परिवार की भलाई के लिए होगा, पशु के कल्याण के लिए होगा। और आज गुजरात में दूध का पेमेंट सिर्फ महिलाओं को मिलता है और उसके कारण मेरी महिलाओं बहनों की माताओं की ताकत भी बहुत बढ़ गई है। गुजरात में सहकारिता की एक समृद्ध परंपरा रही और संस्कार भी है, तभी तो सहकार है, और सहकार है तभी तो समृद्धि है। दूध से जुड़े सहकारी आंदोलन को जो सफलता मिली है इसका विस्तार अब हम खेती से जुड़े बाकी क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। देश में आज 10,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ इसके निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इन एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी वैल्यू और सप्लाई चेन से सीधे जुड़ पाएंगे। इसका बहुत अधिक लाभ मेरे गुजरात के किसान भाई बहनों को होने वाला है। भाई और बहनों, किसान की आय बढ़ाने के लिए
जो प्रयास बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं, उसकी वजह से गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसानों की आय में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, इसकी वजह से भी काफी वृद्धि हुई है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जो भूमिहीन किसान है, जो सबसे गरीब होते हैं, उनकी आय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह बहुत छोटी जमीन वाले किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। यानी फसलों के अलावा आय के वैकल्पिक माध्यमों पर काम करने की रणनीति आज काम आ रही है। खादी और ग्रामोद्योग भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर पहली बार 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर गया है। यही कारण है कि बीते 8 वर्षों में इसी क्षेत्र से 1.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार गांव में बने। 2014 से पहले के 7-8 सालों की तुलना में बीते 8 सालों में मधुमक्खी नो उछेर, मधुनु उत्पादन, अने मने तो साबर डेरी कहू हवे अमे पण आखा साबरकांठा में मधना उत्पादन माटे खेडूतोने तैयार कर दिया, जेमने बॉक्स आपी रहा छे। अने आटला टूंका गाळा में मधनु उत्पादन लगभग डबल थवा पहोंच्यु छे, लगभग डबल। आ एक वधारानी आवक, अने खेतर में मधुमक्खी होय ने एटले ए भी तमारा साथियानी जेम काम करे, खेत मजूरनी जेम तमारी मदद करे। मधुमक्खी खेती में पूरक थाय, एटलू ज नहीं पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बनाकर 10% थी वधारे आजे आपणे पेट्रोल में इथेनॉल एने मेळवीए छे। आ इथेनॉल बने छे केम रीते? शेरडीना साठामांथी, शेरडीमांथी, मकाईमांथी। एटले अत्यार सुधी खाड़ीनू तेल आवतुं हतुं, हवे एमां झाड़ीनू तेल पण भळवा माड्युं, अने खाड़ीनू ने झाड़ीनू तेल मळीने आजे आपणा वाहनो दोड़े छे अने पर्यावरणनी पण रक्षा थाय छे। 2014 तक देश में 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी, आज ये करीब 400 करोड़ लीटर तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। भाई और बहनों, खेती की लागत कम करने पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया, खाद के बंद पड़े कारखाने उनको फिर से शुरू करना, नैनो फर्टिलाइजर पर काम करना। और नैनो फर्टिलाइजर तो एवं जे कि एक थेलो भरी ने जेटलू खातर लावता हो एटलू हवे एक बॉटल में आई जाए छे, अने एटलो ज लाभ मळे पाछो। मेहनत ओछी, फायदो एवो ने एवो। आजे नैनो फर्टिलाइजर पर काम थई रह्यु छे। बीते कुछ महीनों में पूरी दुनिया में यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए। दुनिया में आप बाहर से लाव पड़े छे, यूरिया फर्टिलाइजर बाहर से लाव पड़े छे। अनेक गणा भाव बढ़ी गया अचानक, परंतु
दिल्ली में बैठेली तमारी आ सरकारे आटला बदा खातरना भाव बद्या पण एनु भारण मारा खेडूतो ऊपर न आववा दीधो। एनो बोझ आजे भारत सरकार वहन करी रही छे। यूरिया नी 50 किलो नी बेग ये सरकार ने 3,500 रुपया में पड़े, जरा बोलसो तमे केटला में 3,500 रुपया नी एक थेली केटला, जरा बोलो ने याद रहे काम में आवे। 3,500 रुपया केटला अने सरकार खेडूतों केटला में आपे छे 300 रुपया में 3,500 नी थेली मारा किसान भाइयों ने बोझ न पड़े आखा देश में मात्र 300 रुपया में आपवामां आवे छे। एज प्रकारे डीएपी के 50 किलो के बैग पर पहले सरकार 500 रुपये का बोझ वहन करती थी, सरकार पर 500 रुपये का बोझ आता था। आज वो दुनिया में महंगाई बढ़ने के कारण आज सरकार को 2500 रुपये का बोझ वहन करना पड़ता है, लेकिन किसानों के सर पे हम बोझ जाने नहीं देते हैं। साथियों, इन तमाम योजनाओं का लाभ गुजरात किसानों को भी मिल रहा है। बीते वर्षों में अरवल्ली के 50,000 से अधिक किसानों के खेत माइक्रो इरिगेशन की सुविधा से जुड़ चुके हैं। अने हूँ खास अरवली ना मारा खेडूत भाइयों ने अभिनंदन आपू छू आ काम माथे लेवा बदल। आज अरवल्ली के अनेक गांव ऐसे हैं जहां किसान 100% टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर रहा है। सुजलाम सुफलाम योजना से साबरकांठा की अनेक तहसीलों में पानी पहुंचा है, जहां पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हातमती नहर उसका सुंदरीकरण प्रोजेक्ट के पूरा होने से पूरे क्षेत्र की सुंदरता बढ़ी है। शहर में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर घर जल अभियान के तहत भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, आज साबरकांठा और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। रेलवे लाइनों नो चौड़ीकरण, रेलवे ना ब्रिज बनावाना, हाईवे पोहा करवाना, हाईवे ने दूर सुधी आग ले जवाना, आपू आ शामलाजी मोड़ासा 150 किलोमीटर लांबी 4 लेन रोड आग जाइने दक्षिण गुजरात ने सीधी जोड़ाण करी देसे। दक्षिण गुजरात मध्य गुजरात साथे आ मारू साबरकांठा जोड़ाई जैसे। अने आना कारणे खेमंबा होय, भिलोड़ा होय, मालपुर होय, मेघरज होय, आ मारो आखो आदिवासी पट्टो आ विकास नी अंदर तेजी से जोड़ाई रह्यो छे। हिम्मतनगर थी खेड़ब्रह्मा ब्रॉडगेज लाइन एना प्रोजेक्ट पर तेज गति थी काम चाली रह्यु छे। भाइयों बहनों, तमने याद हशे कि आपणे अहीं हेमनगर थी हिम्मतनगर थी मेहसाणा जवुं होय तो 7 वार विचार करिए भाई आवा रोड पर क्यारे जईने क्यारे पहोंचीश, कलाको लागी जता था। अने हवे आ नवा रोड बनवाना कारणे 3-3.5 कलाक में फटफटाट त्यां पहोंची जईए छे। हिम्मतनगर मेहसाणा विजापुर आम दरार दब पहोंची जईए छे। हिम्मतनगर थी अंबाजी 4 लेन सड़क बनी अने मां अंबाना दर्शन माटे आवनारा लोको हवे बद्दा उत्तर गुजरात जवानु होय, दक्षिण गुजरात ने मध्य गुजरात अमदावाद ना लोको आज रस्तो पकड़े एटले आजूबाजू ना पण लोको ने रोजी रोटी मळी रहे। अने हवे तो शामळाजी थी अमदावाद 6 लाइन नो हाईवे
ये बनावानु काम तेजी थी चाली रह्यु छे। 1300 करोड़ रुपया ना पर खर्च करवामां आवी रह्यु छे। हिम्मतनगर में मेडिकल कॉलेज अने आपणे कोरोना नी लड़ाई में आ मेडिकल कॉलेज केटली बधी काम में आवी, केटला आशीर्वाद मळ्या ए तमे जाणो छो, हुं जाणु छुं। साथियों, जब कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ पर्यटन को होता है, हमारे युवा नौजवानों को रोजगार में होता है। अने आपणो तो साबरकांठा बनासकांठा आ बे आस्था, जनजातीय परंपरा, प्राकृतिक वातावरण एनाथी बधा भरेला छे। अने मारू तो सौभाग्य रह्यु के शामळाजी मंदिर नो जीर्णोद्धार करवानो अवसर मने मळ्यो हतो। आजे कोई पण जाए 15 वर्षना छोकरा ने खबर नहीं होय पहला शामळाजी ना शुं हाल हता। अने आ क्षेत्र में जे विकास थई रह्यो छे एना कारणे यात्रीओनी संख्या वधी रही छे, एना कारणे रोजी रोटी ना अवसर वधी रह्या छे। भाईओ और बहनों, मैं साबरकांठा ऐसे समय आया हूं जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी वर्ष आजादी की जंग के दौरान पाल गदवाल आदिवासी नरसंहार, पाल चितरिया नो आ घटना, एने पण 100 वर्ष थई रहा छे। आदिवासी नायक मोतीलाल तेजावत जी एमना नेतृत्व में आदिवासीए अंग्रेजों विरुद्ध में जंग मांड्यो, अंग्रेजों पाया हलावी दीदा था। आ मारू साबरकांठा, आप रघवाया थे अंग्रेजों, आ पाल रदवाल आदिवासी नरसंहार करो, मौत ने घाट उतारया। परंतु दुर्भाग्य आजादी पछी आ घटना भूलावी देवामां आवी। आ मारू सौभाग्य हतो के जनजातीय समुदाय नो त्याग अने बलिदान ए आवनारी पेढ़ीओ ने खबर पड़वी जोईए। अने एटला माटे आपणे पाल चितरियानी अंदर शहीदोना ए स्मारक ने एने फरी एवार दुनिया ने सामे लावामां आपणे सफळ थया। अने आजे शहीद स्मृतिवान उन अमर बलिदानियों से प्रेरणा है, नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति का रास्ता दिखा रहा है। मेरा यो भी सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के लिए आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी अवसर मिला है। हमारी सरकार ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा एमना जन्मदिवस ने जनजातीय गौरव दिवस तरीके आखो देश मनावे ये हमें निर्णय कर्यो छे। हमारी सरकार देशभर में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम इन सेनानियों की याद में विशेष संग्रहालय भी बनवा रही है। साथियों, आजादी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर एक और बड़ा संयोग हुआ है। पहली बार जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है। देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। जिस समावेशी लोकतंत्र का सपना आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले हमारे पूर्वजों ने देखा था वो आज साकार हो रहा है। साथियों, आज मैं साबरकांठा इस पवित्र धरती से गुजरात के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, देशवासियों से भी आग्रह करता हूं और अभी
हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में 13 अगस्त से ही देश का हर घर अपने यहां तिरंगा फहराएगा, तिरंगा फहराएगा। साबरकांठा अरवली के साथ साथ पूरे गुजरात और पूरे देश में ये तिरंगा फहराकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का अमृत संकल्प ले रहा है। जिन लोगों ने देश की आजादी के बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जो आपके घर पर तिरंगा लहराता देख करके उनकी आत्मा आपके परिवार को भी आशीर्वाद देने वाली है। एक बार फिर अनाजे साबरकांठा जे मान सम्मान अना विराट जनसागर, आटली मोटी संख्या में हमारी माताओं बहनों, आपना आशीर्वाद एज मारी शक्ति छे, एज मारी ऊर्जा छे, एज मारी प्रेरणा छे। आपना आशीर्वाद थी आप पुरुषार्थ ना मार्गे वधीने जन जन नु कल्याण थाय, जे संस्कार गुजराते आप्या छे ये हिंदुस्तान ना गामडे गामडे पहोंचाड़वा, अने एमां आपना आशीर्वाद मोटी मूड़ी छे। हुं आपनो हृदय थी आभार मानू छू, अने साबर डेरी नी आखी टीम ने सतत विस्तार अने विकास ना अभियान ने अनेक अनेक शुभकामनाओं आपू छू। खूब खूब धन्यवाद। बे हाथ ऊपर करीने जोर थी मारी साथे बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। खूब खूब।